तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम आपको बताने वाले कि बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड, जो कि आप ईएमआई कार्ड पर कुछ भी आइटम वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। तो ये कार्ड हमें किस प्रकार से मिलेगा, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, आप बजाज ईएमआई कार्ड वो किस प्रकार से बनवा सकते हैं, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले। तो चलिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो आज मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं कि बजाज कार्ड आप घर बैठे अपने हाथों से आप खुद ही बना सकते हैं। आपको कई फिजिकली डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है, सारे जो प्रोसेस है वो पूरी डिजिटली है, आपको सारा काम ऑनलाइन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास में आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होना जरूरी है। तो इसके अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल सा है, बस आप 5 मिनट के अंदर अपना ईएमआई कार्ड वो बना सकते हैं। चलिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि इस ईएमआई कार्ड को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो दोस्तों, बजाज कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपको अपनी डिटेल डाल देनी है। जैसे आप डिटेल डालेंगे उसके बाद में आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो जैसे इस पेज पर आएंगे आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड पर है वो आपको यहाँ पर डाल के अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। और जैसे आप ये अप्लाई ओटीपी फिल करेंगे उसके बाद में आपको स्टेप नंबर 3 पर आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आपको अपना जेंडर, आपका फुल नेम, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, पिन कोड, जो आपका नाम है वो पैन कार्ड पर वही नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपनी लिमिट दिख जाएगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर इंस्टा ईएम कार्ड इज़ अप्रूव लिमिटेड। अगर आप अप्रूव नहीं होते हैं तो यहाँ पर आपका जो है प्रोसेस डिक्लाइन कर दिया जाएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपके कार्ड पर आपको अपनी लिमिट देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही आपको लिमिट मिल जाएगी उसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको स्टेप नंबर 5 पर आ जाना है। यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल डाल देनी है, कंप्लीट सिटी, स्टेट, पिन कोड, और उसके बाद में आप स्टेप नंबर 6 पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पास में 1 लाख+ पार्टनर स्टोर हैं, साथ साथ में बजाज फाइनेंसर ऑनलाइन स्टोर भी हैं इनके, और ई कॉमर्स पार्टनर जैसे अमेजोन, आप इनसे भी, फ्लिपकार्ट, इनसे भी इनके अमेजोन जो बजाज फाइनेंस होता है इसकी ईएमआई कार्ड पर आप कोई भी आइटम वो परचेज कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर फिलहाल इसमें 567 रुपीज़ लिख रखा है, लेकिन आपको 530 रुपीज़ यानी 530 रुपये इसके देने होंगे। तो उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको आधार के वाई से अपना आधार नंबर डाल के अपना जो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ वो डाल के आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक आधार का ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल के फिल कर देना है। उसके बाद में आपको 4 संख्या का एक जो शेयर कोड होता है आप कुछ भी डाल सकते हैं, 4, 5, 6, 7, और अभी हमने 1, 2, 3, 4 डाल रखा है। तो उसके बाद में हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारी जो आधार से ये डिटेल फेच कर लेगा, तो हमारा फ़ोटो वगैरह ये सब जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप डिटेल कंफर्म कर लें, उसके बाद में आप जो है इस पेज पर ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के बाद में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद में आप जैसे देखेंगे आपकी जो आधार में जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपका शो करेगा, उसके बाद में आपको कन्फर्म एड्रेस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कन्फर्म एड्रेस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर जो कि है 530 रुपीज़ का जो है यहाँ पर एक पे करना होगा, जो कि अभी इसमें 567 रुपीज़ लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से आप नेट बैंकिंग, गूगल पे या यूपीआई क्विक कहीं से भी आप इसका जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो जैसे आप पेमेंट करेंगे उसके बाद में यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल लिखा आएगा और यू आर 1 स्टेप अवे फॉर एक्टिवेशन, इंस्टेंटली एक्टिवेट योर कार्ड रजिस्टर्ड इन योर ई मैंडेट। तो जैसे आप एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करेंगे आपको एक ई मैंडेट करना होगा। तो जैसे आप इमेंडेट के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर, आईएफएससी अकाउंट नंबर और डालकर आप जो भी अकाउंट आपका सेविंग है, करंट है, उसके बाद में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया उसके बाद में ये पूछ रहा है डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, तो अभी हम नेट बैंकिंग से करने वाले हैं। जैसे नेट बैंकिंग पर करेंगे यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज शो होगा, तो यहाँ पर आपको सबमिट कर दें। उसके बाद में आपकी जो ईमेंडेट का प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। उसके बाद में आपकी जो नेट बैंकिंग है उसे लॉगिन कर देना। अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपकी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। तो देखेंगे हमारा ईमेंडेट सक्सेसफुल हो चुका है और अभी हमारा जो कार्ड है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है।